बरेली पहुंचे नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने 65.67 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सर्किट हाउस में हुए कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। पीएम आवास योजना के तहत 20 लाभार्थियों को आवासों की चाबी सौंपी गई। साथ में पीएम स्वनिधि से जुड़े वेंडरों को प्रशस्ति पत्र सौंपा गया। सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे नगर विकास मंत्री एके शर्मा सहित तमाम जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। नगर विकास मंत्री ने लोकार्पण शिलान्यास करने के बाद मंच से कहा कि बरेली भारत वर्ष में एक गौरवशाली बनेगा। उन्होंने कहा कि तमाम जनप्रतिनिधियों की मदद से ही नगरीय क्षेत्र के विकास में सहयोग मिला है और इसीलिए हम सबको आशा जगी है कि हमारे नगरीय क्षेत्रों का जो योगदान अर्थव्यवस्था में होता है, हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग जो 28% जो जनता रहती है शहरी क्षेत्रों में, उसका अर्थव्यवस्था में योगदान, जीडीपी में योगदान लगभग 65% है। मतलब कि एक तिहाई जनता का अर्थव्यवस्था में योगदान 2/3 से भी ज्यादा है, ये वो आप कह सकते हैं। तो ऐसी जगह का, ऐसे जो हमारे विकास के केंद्र है, ऐसे जो हमारे ग्रोथ के सेंटर है, उनमें स्वाभाविक रूप से हमें ज्यादा काम करना होगा, उनके विकास में ज्यादा ध्यान देना होगा, जिससे कि शायद उनका विकास में जो योगदान है और भी ज्यादा बढ़ सके। और इसी जरिए यही करते हुए हम देश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, यही करते हुए हम अपने प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था आने वाले कुछ 4-5 साल में बनाना चाहते हैं। और उसमें यहाँ शहरी जो क्षेत्र है, नगर जो निकाय है, उनका बहुत योगदान होने वाला है। तीसरी बात कि हमारे पर्यावरण मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे नगरीय क्षेत्रों का, नगरीय विस्तारों का, शहरी विस्तारों का अगर पर्यावरण अच्छा होगा, जहाँ 1/3 आबादी रहती है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे पूरे प्रदेश का, पूरे जिले का, पूरे देश का भी पर्यावरण जो है अच्छा होगा। क्योंकि औद्योगिकरण की बात करिए, व्यापार की बात करिए, ट्रांसपोर्ट की बात करिए, तो प्रदूषण के बहुत सारे जो उपाय तो नहीं शब्द ठीक है, लेकिन प्रदूषण के बहुत सारे कारण शहरी विस्तारों में विद्यमान होते हैं। और वहां जब एक कंसंट्रेशन हो जाता है पूरे प्रदूषण का, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, तो उसका असर अगल बगल के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पड़ता है। तो ऐसे में हमारा ये दायित्व है कि हम पर्यावरण की भी चिंता करें शहरों में। अभी मैं आते हुए माननीय मंत्री जी का प्रथम बार नाथ नगरी बरेली में बरेली वासियों, बरेली अधिकारियों एवं सभी जनप्रतिनिधि आपका स्वागत करते हैं। फैशन का बड़ा नाम लिया जा रहा था कि अरे उमेश जी आए हैं, बड़े बरेली में काम करा रहे हैं। ऐसे हमारे मेयर जी और जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय और यहाँ की नगर आयुक्त, सामने बैठे सभी पार्षद, मीडिया बंधु और हमारी आंगनबाड़ी बहने, माननीय सांसद जी को, माननीय मंत्री जी ने जो विकास कार्य किए, गंगा बहाई है, इसके लिए उनका धन्यवाद अदा करते हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।